100, बताओ ये बात समझ में आई, इतनी बात बताओ भाई सभी लोग। तो यहां से हमारा हो जाएगा P, 1 प्लस R1 कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा 5/100। फिर 1 प्लस R2 हो गया 7, तो ये हो जाएगा 7/100। फिर ये हो गया 1 प्लस R3, तो R3 हो गया 10, तो ये हो गया 10/100। बताओ इतनी बात समझ में आई सभी को, सभी लोग बताओ भाई इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। देखो क्या दिया गया है कि रामू ने ग्रामीण बैंक से 50,000 रुपए लोन लिया, इस पर सीआई रेट से मतलब साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष पर 5%, द्वितीय वर्ष पे 7% और तृतीय वर्ष पे 10% थी। ठीक है, ये दर थी तीनों वर्ष की अलग अलग, तो 3 वर्षों की समाप्ति पर कितनी राशि देनी पड़ेगी। तो उसके लिए बहुत सीधा सा फॉर्मूला, यहां पर A=P 1+R1/100, 1+R2/100 और 1+R3/100, बस आपको वैल्यू रख लेनी है। कहे कि हमको यहाँ पर पी जो दिया है वो कितना दिया गया, 50,000, क्योंकि इसने लोन कितना ले रखा है 50,000 रुपए का, तो भाई यहाँ पर रख लो कितना 50,000। 1+R हो गया 5, R1 5/100, R2 हो गया 7, तो 1+7/100, R3 हो गया 10, तो 1+10/100, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। अब कैसे को सॉल्व करना, देखो ये हो जाएगा हमारा 50,000 इंटू 100 वन जा 105, तो हो गया 105/100 इंटू 100 वन जा 107, 107/100, ठीक है, इंटू 100 वन जा 110, तो हो गया 110/100। बताओ समझ में आई भैया बात। अब करना क्या है, 1 2 1 2 0 ये कैंसिल हो गया, 1 2 1 2 0 ये कैंसिल हो गया, 1 और 1 0 ये कैंसिल हो गया। अब करना पड़ेगा भैया मल्टीप्लाई, है ना, थोड़ा सा लोचा यही होता है मल्टीप्लाई करने वाला। अब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा हमारा 61,792 और ये हो गया 5, ठीक है ना, इतना 5/10 है, तो ये 10 हो गया, 1 0 कट करो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, सही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 61,792 रुपीज एंड 50 पैसे, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। मल्टीप्लाई करके देख लेना, हो सकता है मल्टीप्लाई गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई मेरा सही ही हो, एक बार आप मल्टीप्लाई करके देखना आपको क्लियर हो जाएगा कि सही है ना। चलो क्लियर है सभी को, इतना इतनी बात सभी को समझ में आ गई, इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया हमारा, क्वेश्चन हो गया हमारा ये, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रुक जाओ थोड़ा सा क्वेश्चन ढूंढते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाते हैं सभी लोग। इसके पहले 5 चैप्टर हो चुके हैं, वो सारे चैप्टर भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा कितना आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, उसमें से पिछले जो क्वेश्चन हुए हैं उनको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है कि अगर हम बोर्ड पे लिखते हैं तो हमारा बोर्ड भर जाता है। चलो भैया फिर भी लिखना तो पड़ेगा ही। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रुपए 2500 कितना, रुपए 2500 का कितने प्रतिशत वार्षिक का कितने प्रतिशत वार्षिक कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि सीआई, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई की दर से, ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 204 हो जाएगा, यानी 204 रुपए हो
जाएगा। चलो भाई बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।